एक नई और खास रेसिपी के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं रसोई विद राजदा में। टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज जानने के लिए मेरे चैनल रसोई विद राजदा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले और फ्री में देख सकेंगे। और वीडियोस पसंद आने पर इसे लाइक जरूर करें। आज हम आप लोगों के साथ बादाम मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे पीने अक्सर हम बाहर जाते हैं या फिर बाहर से घर मंगवाते हैं। तो इन गर्मियों में आप इसे अपने घर में बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय करिए। बनाने के लिए यहाँ पर हमने लगभग 200 ml मतलब एक ग्लास दूध लिया है। उसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच चीनी और फिर उसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच कुटी हुई हरी इलायची। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इंग्रेडिएंट्स को उस हिसाब से सेट कर लीजिए। सारे चीज़ों को डालने के बाद हम दूध को उबाल लेंगे। एक बार उबालने के बाद हम इसे मीडियम हाई फ्लेम या टेम्परेचर में 6-7 मिनट के लिए पकाएंगे। दूध को पकाते वक्त हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके ना और जले नहीं। यहाँ पर हमने सारे मेजरमेंट्स 200 ml दूध के लिए बताया है। तो लगभग 6-7 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम या इंडक्शन को बंद कर देंगे और उसके बाद हम एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा दूध लेंगे। उस दूध में हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। हमने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है क्योंकि इस मिल्क शेक में वेनिला फ्लेवर ही इस्तेमाल होता है। हम दूध में अच्छे से घोल लेंगे और फिर इसे हम पकाए हुए दूध में डाल देंगे। इसे डालने के बाद हम इसे लगातार चलाएंगे ताकि ये नीचे तले में जले और चिपके नहीं। इसे हल्का गाढ़ा होने तक पकाना है। इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ हमें 4-5 मिनट तक पकाना है। इतना वक्त काफ़ी है एक मिल्क शेक की कंसिस्टेंसी लाने के लिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी गाढ़ी हो गई है। बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इस पॉइंट में हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए बादाम और कटे हुए काजू। हमने बादाम को छिलकर काटा है क्योंकि छिलके के साथ बादाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब आप चाहें तो इसमें ठंडा होने के बाद एक स्कूप वेनिला आइसक्रीम डालकर या फिर इसे रेफ्रिजरेट कर इंजॉय कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब हम फ्लेम को या इंडक्शन को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारी बादाम मिल्क शेक बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप लोगों ने देखा कि ये बनाना कितना आसान और सरल है। तो आप लोग भी इस बादाम मिल्क शेक को ज़रूर बनाइए और इन गर्मियों में अपने इफ्तार में शामिल करिए या फिर मेहमानों को सर्व करिए। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।